सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा ये काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे बीटेक की, कहां से, एमआईटी यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे बच्चों के हैं जो 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके हैं और उनके रिजल्ट वगैरह भी आ चुके हैं और वो एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे एक अच्छी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से, जिसमें से एक नाम आपके सामने आया होगा एमआईटी यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट होंगे कि भैया एमआईटी यूनिवर्सिटी कैसा कॉलेज है, एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाला कैंपस कैसा है, वहां पे एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, बीटेक का रिव्यू क्या रहने वाला है वहां से, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू क्या रहने वाला है, प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमको प्लेसमेंट मिलेगी भी या नहीं, कैसा कैंपस है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बीटेक का रिव्यू देने वाला हूं, एमआईटी यूनिवर्सिटी से कैसे रहने वाला है। सबसे पहले तो अगर आपको, ठीक है, आना है गूगल के ऊपर आके एमआईटी यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आप ऐसी कुछ वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। आपको एक बात बता दूं कि जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर ना काफी सारे कैंपस वगैरह आते हैं, कहां कहां पे आते हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है पूरे इंडिया में और ग्लोबली भी कई कई जगह पे है। तो इंडिया में जो जो कैंपस है वो आपको बता देता हूं, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, कोलकाता में, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस है वो सबसे ज्यादा चलता है। उसके अलावा जो कैंपस है कोलकाता, रांची, पटना, मोहाली, बैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, मुंबई, रायपुर, ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे जो पूरे कैंपस वगैरह है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोहाली वाले कैंपस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो डाउट आ रहे हैं वो मोहाली वाले कैंपस से लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो मोहाली वाला कैंपस अभी लेटेस्ट बना है तो उसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल नहीं है। बट जो बच्चे एमआईटी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ये पूरी रिव्यू वीडियो उनके लिए भी रहने वाली है, क्योंकि इसमें चाहे कोई भी कैंपस हो बट यूनिवर्सिटी एक ही है, तो सबका क्राइटेरिया सेम रहेगा, प्लेसमेंट का जो सब है वो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो आपके लिए भी अगर आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही रहने वाली है। तो आप भी वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोहाली वाले कैंपस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी यहाँ पे कैंपस के ऊपर क्लिक एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। उस जगह की वैसे सारी वेबसाइट्स है जो 99% सेम है, कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला, बस उन्होंने अलग अलग कर दी कि आपको जहां पे एडमिशन लेनी है वहां की आपको मिल जाए। तो बीटेक में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको काफी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, तो एडमिशन लेने से पहले, बीटेक में एडमिशन लेने से पहले कि हमको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये दोनों चीजें हैं जो क्लियर कर देता हूँ। तो आप जब एडमिशन पे आएंगे यहाँ पे आपको प्रोग्राम एलिजिबिलिटी एंड फीस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी बीटेक सीएससी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बीटेक सीएससी स्पेशलाइजेशन सारी अवेलेबल है, नॉर्मल बीटेक सीएससी अवेलेबल है, उसके बाद बीटेक सीएससी डेटा साइंस अवेलेबल है, आईओटी एंड ब्लॉकचेन अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी अवेलेबल है, AI9 ML अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया एडमिशन एंड प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे, तो आपके सामने एक कोर्स जो खुल के आ जाएगा जो यहाँ पे सारे प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आपको 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तभी आपकी जो एडमिशन है यहाँ पे होने वाली है। दूसरी आपकी, ठीक है, यहाँ पे जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1.225 लाख, मतलब कि 1,20,000, ठीक है, 2500 रुपये आपकी अप्रोक्सीमेट जो फीस रहेगी, 1,00,225 लाख, ठीक है, 1.225 जो लाख रुपीज है आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। टोटल आपका 4 साल का कोर्स रहेगा जिसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर रहने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये होगी आपकी फीस। और जो अगर हम नॉर्मल बीटेक कंप्यूटर साइंस की है, जो यहाँ पे प्रोग्राम कोड की बात करें तो यहाँ पे 47052 यहाँ पे फीस। अगर जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना एडमिशन एंड प्रोग्राम पे, तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से और प्रोग्राम्स है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। ये सारे कोर्स है जो 12th के बाद ऑफर किए जाते हैं। इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी बीटेक सीएससी देखने को मिल जाएंगी, जो जो यहाँ पे बीटेक सीएससी दी जाती है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस देखने को मिल जाएगा। कोई भी बीटेक सीएससी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, तभी आपकी एडमिशन होगी। और अगर हम बात करें जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है यहाँ पे एमआईटी यूनिवर्सिटी में, आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसमें जो नॉर्मल सीएससी से फीस है आपसे कम ली जा रही है। जो नॉर्मल सीएससी की फीस है वो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, वहाँ पे 1.225 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की तो यहाँ पे आपकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1,65,000 रुपीज, ठीक है, 1,65,000 रुपीज आपकी जो फीस है वो रहने वाली है। ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल से एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है। सारा जो प्रोसेस है घर पे बैठे बैठे आपका ऑनलाइन होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक आपको दिया गया जिसके थ्रू आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलने के बाद
करने के बाद आपको है जो आपका जो एक पर्सनल इंटरव्यू है वो लिया जाएगा, और आपके एप्लीकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि आपके जो यहाँ पे एडमिशन होने वाली है या नहीं होने वाली। जिन बच्चों के 80% से ज्यादा मार्क्स है उनकी एडमिशन है जो डायरेक्ट हो जाएगी। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट वगैरह है किसी डायरेक्ट लिंक या क्यूआर कोड पे ना करें। किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो सिर्फ एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करें। एमआईटी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहने वाली है आपकी 1500 रुपए रहने वाली है, नॉन रिफंडेबल फीस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। आपको जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देने हैं, ईमेल आईडी के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देना है, उसके बाद आपको 1500 रुपए फीस पे करनी है। ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। रिफंड फॉर्म की फीस आपको कोई भी यहाँ पे रिफंड नहीं होने वाली है। तो आप है जो अगर एडमिशन लेने के लिए श्योर है तभी यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस है जो स्टार्ट करें। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई यहाँ पे प्लेसमेंट क्या क्या रिव्यू है, हमारी प्लेसमेंट हमको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। स्पेसिफिकली मोहाली वाले कैंपस की बात करें तो हमको कैसी प्लेसमेंट है जो मिलने वाली है। तो देखो यार एक बात आपको खास बताता हूँ यहाँ पे कि जो अगर हम प्लेसमेंट वाले इनके पेज पे आते चाहे ऑफिशियल वाले पेज पे आओ, ठीक है, यहाँ पे तो प्लेसमेंट के या आप मोहाली वाले पेज पे आओ, तो इनका जो प्लेसमेंट प्रोग्राम रहने वाला है वो ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहने वाला है। ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जो भी इनका कैंपस है एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कैंपस आता है, चाहे वो मोहाली वाला कैंपस हो, चाहे नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, रांची, जो भी कैंपस हो, वो सभी कैंपस का जो प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है वो ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। अब जैसे आप यहाँ पे इनका देखोगे भी, यहाँ पे लिखा हुआ है 36,000 कैंपस प्लेसमेंट इन लास्ट ईयर। तो क्या एक यूनिवर्सिटी में से 36,000 कैंपस प्लेसमेंट हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में टोटल मिला के जितने भी कैंपस है उन सबका टोटल मिला के यहाँ पे 36,000 है जो कैंपस प्लेसमेंट हुई है सभी कैंपसेस को मिला के। और इनका जो एक बात मुझे खराब लगती है कि अपने जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है 2020 के बाद। ठीक है, 2020 तक ही इनका जो अपडेट था। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो हाईएस्ट पैकेज आज तक का गया है वो अप्रॉक्सीमेट 40 लाख का गया है, जो कि अमेजोन में एक बच्चे को मिला था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आप कंपनीज के लिए जो कंपनीज देखने वाली है प्लेसमेंट के लिए वो सारी देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, चाहे स्टार्टअप्स हो। कंपनीज जो प्लेसमेंट के लिए आई थी लास्ट ईयर वो अप्रॉक्सीमेट 600 से 700 कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई थी। ठीक है, 36,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेट है जो हुए थे वो, लेकिन काफी पुराना रिकॉर्ड है। जो लॉकडाउन के टाइम में भी इनको 1500 कैंपस प्लेसमेंट के आए थे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट पैकेज ये क्लेम करते हैं वो 2 करोड़ का है, लेकिन वो है जो आपका इंटरनेशनल पैकेज है जिसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। जो डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है वो अप्रॉक्सीमेट 40 से 45 लाख का ही गया है। 500 से 600 कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई है। ठीक है, 2000 तो इन्होंने जो इनके लीडिंग रिक्रूटर्स है वो कौन है? एक्सेंचर है, आदित्य बिरला, एयरटेल, अमेजोन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एमवे, एशियन पेट्स, बाटा। ठीक है, उसके बाद बीटी, ब्रिटानिका, कैपजिमनाई, सिप्ला, सिटी बैंक, ये सारे इनके लेटेस्ट रिक्रूटर है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे आपको सारी कंपनी देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो बिग फोर कंपनीज हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, चाहे वो मास रिक्रूटर कंपनीज हो। कंपनीज आपको सारी देखने को मिलने वाली है। कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है जो ज्वाइंट कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम रहने वाला है, मतलब जितनी भी कंपनीज आएंगी उसमें इनके जितने भी कैंपस के बच्चे हैं सारे के सारे बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, सबके सब है जो उस कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। लेकिन उस कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपके होने चाहिए। वो क्या है कि 10th और 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स है और डिग्री में आपके मिनिमम 60% मार्क्स है, तभी आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे बच्चों के हैं जो 10th और 12th में तो मोर देन 60% मार्क्स हो जाते हैं, लेकिन डिग्री में उनकी 5 CGPA, 5.5 CGPA, 6 CGPA क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। तो आप MIT के किसी भी कॉलेज में पढ़ लें या किसी भी और भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लें, अगर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं है थ्रू आउट में तो आपको प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबल होने के बाद है जो सारे के सारे बच्चे हैं पूरे कैंपस के, वो जितनी भी कंपनीज आएंगी, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एक्सेंचर हो, ठीक है, एमबीओ, सिप्ला हो, कोई भी इनमें से कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं उनमें इनके सारे कैंपस के बच्चे हैं जो बैठने वाले हैं। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। जो इनका सबसे फेमस कैंपस है वो है ग्रेटर नोएडा वाला, जो कैंपस साइज भी बड़ा है, कैंपस एरिया भी बड़ा है, जहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी है। स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब वाले कैंपस की, वहां का जो कैंपस है अभी नया नया बना है, तो देखो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिल जाएगा, फैसिलिटीज अच्छी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो फैकल्टी के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कैंपस एरिया भी थोड़ा छोटा ही है, उसके मामले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन काफी ज्यादा अच्छा है, चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको कैंपस है जो देखने को मिल जाएगा। तो आप चंडीगढ़ की लाइफ भी है जो एंजॉय कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको बता दिया था। एवरेज पैकेज की अगर बात करें, अगर हम इनके सारे कैंपसेस की मिला के एवरेज पैकेज की बात करें, तो मैक्सिमम बच्चे हैं जो 4 से 5 लाख के पैकेज पे ही प्लेस हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस होते हैं वो बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमबीए की ब्रांचेस से होते हैं, और उनमें भी जो मैक्सिमम बच्चे प्लेस होते हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कि मास रिक्रूटर कंपनी जैसे कि विप्रो, कैपजिमनाई, ठीक है, उसके बाद कॉग्निजेंट, टीसीएस, इंफोसिस, इन सारी कंपनीज में प्लेस होते हैं, जिनका जो एवरेज पैकेज रहता है वो 4 से 5 लाख का रहता है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, आपके अगर मार्क्स, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा
और अगर आप डिग्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो पैकेज की रेंज मिल जाएगी, अगर आप बीटेक सीएससी से आ रहे हैं, एमबीए ठीक है मतलब करने आ रहे हैं, तो आपको जो पैकेज की रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी वो 4 लाख से लेके 40-45 लाख तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका अकेडमिक रिकॉर्ड नॉर्मल है, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, जो आपकी जो एवरेज प्लेसमेंट रहने वाली है वो 4-5 लाख के पैकेज में ही रहने वाली है। तो ये था मेरा पूरा ऑनेस्ट रिव्यू बीटेक सीएससी के रिगार्डिंग एमआईटी यूनिवर्सिटी से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है एमआईटी से रिलेटेड, बीटेक सीएससी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या एमआईटी पंजाब वाले कैंपस से रिलेटेड, तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।